अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और खूब अच्छे से अपना, अपनों का और अपने बर्ड्स का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं राव मोहम्मद रिजवान अतारी और आप देख रहे हैं बर्ड्स प्लैनेट पाक पतन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन अपीयर होगा, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाएँ। और जिन दोस्तों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आज की वीडियो बहुत मतलब इन्फॉर्मेटिव है और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि बर्ड्स को, बर्ड्स जिनमें के फिंचिस, जावा और घुमरे, ऑस्ट्रेलियन बजरी, लव बर्ड वगैरह सभी शामिल हैं, इन बर्ड्स को हम आया कि गर्मियों में भी पालक दे सकते हैं। इससे रिलेटेड पहले से भी हमारे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है, गर्मियों में बर्ड्स को पालक देना कैसा, कितनी मकदार में देना चाहिए और कितने दिनों बाद देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, जल्दी नहीं देना चाहिए, लेट देना चाहिए, किस तरह देना चाहिए, जो भी बातें हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं। तो आज भी मैंने अपने बर्ड्स को पालक डाला है, कल मैं लेके आया था इनके लिए तो आज मैंने इनको डाल दिया है। और लेके भी कैसे आया था, दुकानदार से मतलब सब्ज़ी फ्रोश से मैं सब्ज़ी लेने गया था तो ये पालक वहाँ पे उसके पास मौजूद थे पते, मैंने कहा ये मैं उठा लूँ, उसने कहा जी जी ले जाएं। और वो मैं शॉपर में डाल के ले आया तो आके मैंने इनको डाला तो ये देखें कि आप बड़े शौक से खा रहे हैं। लवबर्ड्स जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं ये माशाल्लाह बहुत शौक से खा रहे हैं। और ये देखें, आपको करीब करके भी दिखा दिया कि ये तकरीबन सभी नीचे उतरे हुए थे और खा रहे थे। और इसके अलावा जो है मतलब फिंच, ऑस्ट्रेलियन जो है, ऑस्ट्रेलियन तो बहुत शौक से खाते ही हैं, सॉरी, तो फिंचिस मतलब नहीं खा रहे थे तो फिंचिस को भी मैंने डाला, फिंचिस भी खा गए। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा करीब से जाके दिखाता हूँ कि मैंने इनको ये पालक डाला तो इन्होंने ये कुछ पालक खा लिया। और ये तो आपको पता है, आप देख ही रहे हैं कि इतना तो ये किसी भी चीज़ को शौक से नहीं खाते जितना कि पालक को खाते हैं। और ये घास जो मैंने इनके अंदर वैसे ही डाल दिया था ग्रीन फूड के तौर पे, पालक के साथ जो घास डाला हुआ है ये, चूँकि आज मैंने इनको भी एज ए ग्रीन फूड भी खा लेते हैं ये और नेस्टिंग मटेरियल के लिए भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैंने ये घास डाला था लवबर्ड्स को और फिंचिस के नेस्टिंग मटेरियल के लिए। अब फिंचिस भी जो है वो इसको खा भी रहे हैं और अपने नेस्ट में भी इनको ले जाएंगे, मतलब ये ग्रीन फूड के तौर पर भी इसको खाते हैं और नेस्टिंग मटेरियल के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने इनके लिए डाला था तो मैंने सोचा कि इनको भी थोड़ा सा डाल दें। तो ये फिंच, ये जो हमारे फिंचिस हैं आप देख सकते हैं कि अभी ये खा रहा था और ये भी मतलब घास भी खाते हैं और पालक भी खा रहे हैं, इसके अलावा ये भी खा रहे थे कुछ देर पहले, तो इसलिए मैंने इनको पालक भी डाला है। और पालक इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कैल्शियम का एक बहुत बड़ा मतलब सोर्स है, इससे इनकी ब्रीडिंग फास्ट होती है, एग की फर्टिलिटी भी तेज़ होती है और ये इनके लिए मतलब सेहत के लिए बहुत हेल्दी और मतलब हेल्पफुल है, हेल्पफुल है। और इसके साथ साथ जब ये खाते हैं बर्ड्स तो इनकी इससे ब्रीडिंग भी फास्ट होती है, एग्स ज़्यादा ले करते हैं और एग्स की फर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने इनको पालक डाला है। आप भी अपने बर्ड्स को, चाहे गर्मियों हो, सर्दियां हो, सर्दियों में तो आपको पता है हफ्ते में आप इनको वीक में दो दफ़ा भी दे सकते हैं, लेकिन दो दफ़ा दे दें, तीन दफ़ा दे दें, सर्दियों में तो कोई मसला नहीं है। और गर्मियों में भी आप इसको हफ्ते में या 10 दिन में एक दफ़ा दे दें, 15 दिन में एक दफ़ा दे दें, महीने में तो एक से दो दफ़ा आप पालक अपने बर्ड्स को ज़रूर दें। और ये देखना है कि ये जो है ना हमारे खुमरे, ये पालक नहीं खाते और ना ये कोई और घास खाते हैं, बाकी ये मतलब बाजरा, कंगनी, चीना वगैरह और गंदम वगैरह ये खा लेते हैं खुमरे। तो जो परिंदे जो खुराक खाते हैं वही आप उनको अगर डालेंगे जिनको वो शौक से खाते हैं तो वो आपको ज़्यादा ब्रीड भी देंगे और हेल्दी और एक्टिव भी रहेंगे और खुश बाश भी रहेंगे। तो ठीक है व्यूअर्स, यही आपको आज की वीडियो में बताना था, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का एक साइड पे बटन होता है लाल रंग का, उसे प्रेस करेंगे तो फिर एक बेल आइकन अपीयर होगा, उसे प्रेस कीजिए। प्रेस करने का ही फ़ायदा होगा, ऑल नोटिफिकेशन पे आप यस करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे तो फौरन ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आज इस तरह आप कोई भी मालूमती वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका फ़ायदा है और चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं होते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की अमान अल्लाह हाफिज़।